वीडियो में हम जानने वाले हैं फ़ोनपे यूपीआई लाइट के बारे में। आखिर ये फ़ोनपे यूपीआई लाइट है क्या और आप इसे यूज कैसे कर सकते हैं और फ़ोनपे यूपीआई लाइट को आप एक्टिवेट कैसे कर। तो दोस्तों इस वीडियो पे मैं आप लोगों को सब कुछ बताने वाला हूँ, फ़ोनपे यूपीआई लाइट आखिर है क्या और आप इसे यूज कैसे कर सकते हैं, एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं। अगर आपको भी जानना है तो वीडियो को कम्प्लीट वॉच जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों फोनपे यूपीआई लाइट के बारे में जानने के लिए आप अपने फोन में फोनपे ऐप को ओपन कर लीजिए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं फोनपे यूपीआई लाइट आखिर है क्या। तो दोस्तों फोनपे यूपीआई लाइट एक वॉलेट जैसा है। अगर आप किसी को फोनपे यूपीआई लाइट से पैसा भेजते हैं तो आपको यहाँ पर यूपीआई पिन को अपना फिलअप नहीं करना पड़ेगा और आप किसी को भी पैसा यहाँ से बड़ी आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। जान लेते एक्टिवेट कैसे कर सकते। तो एक्टिवेट करने के लिए जैसा कि पेटीएम में पहले आया था पेटीएम यूपीआई लाइट वैसा ही है, यहाँ पर भी आप वैसे ही एक्टिवेट कर सकते हैं। और इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स है, जैसे कि अगर आप किसी को पैसा भेजते हैं तो आपको एक रुपया का चार्ज नहीं देना पड़ेगा। आप डायरेक्ट आप एक दिन में 200 रुपया यहाँ से ट्रांसफ़र कर सकते हैं और इसका लिमिट है 2000 रुपया तक आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने फ़ोनपे यूपीआई लाइट को ऐड करते हैं और किस तरह से ऐड कर सकते वो अभी आप लोगों को बताऊं। पहले आप फ़ोनपे के डैशबोर्ड में आ जाए, यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा यूपीआई लाइट, आपको इस वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब इस वाला ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करते हैं आप लोडिंग डिटेल आप पूछ सकते नोट कीजिए। अब आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे आप एक रुपया से लेकर 2000 रुपया का ऐड कर सकते हैं। जैसा कि मेरा यहाँ पर 1000 रुपया शो कर रहा है, आप लोगों को 2000 रुपया शो करेगा। एक ऑप्शन मिलेगा ऐड का, सिंपल है आपको ऐड वाला ऑप्शन पे क्लिक कर वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा और अपना यूपीआई पिन डाल के आप बड़ी आसानी से इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। और दोस्तों इसे आप जैसे ही एक्टिवेट कर लेते हैं, अगर आपको किसी को पैसा भेजना है तो आप बड़ी आसानी से पैसा भेज सकते हैं बिना यूपीआई पिन डाले हुए।